भाजपा मंडल सुसनेर की बैठक हुई संपन्न। सुसनेर भारतीय जनता पार्टी मंडल सुसनेर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों एवं विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर सुसनेर मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को स्थानीय सोलत रोड पर पुलिस थाने के सामने स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा विस्तारक दिनेश भार्गव ने बैठक में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को संबोधित किया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलरिया ने की। बैठक को पूर्व जिलाध्यक्ष एवं विधानसभा प्रभारी करण सिंह यादव, भाजपा जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी मुकेश लोरा ने भी संबोधित किया। बैठक में विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, लोकतंत्र सेनानी संघ जिला उपाध्यक्ष गोवर्धन शुक्ला, मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कांवल, मीसाबंदी रतन सिंह परमार, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया थे। बैठक का संचालन भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा ने किया एवं आभार भाजपा मंडल उपाध्यक्ष दिलीप जैन सारंगा खेड़ी ने माना। बैठक में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष बाबूलाल यादव, पूर्व जनपद अध्यक्ष गोवर्धन रातरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष महेश शर्मा, चुनाव कार्यालय प्रभारी राकेश जैन, सह चुनाव कार्यालय प्रभारी मुकेश हरदेनिया, किसान मोर्चा पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम सूर्यवंशी, युवा भाजपा नेता अभिषेक बजाज, पूर्व पार्षद अशोक अटल, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अभिजीत बजाज, युवा मोर्चा जिला महामंत्री लखन सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष पाटीदार, मंडल महामंत्री राधेश्याम यादव, पार्षद प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कांवल सहित मंडल में निवासरत समस्त भाजपा जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि, मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह जानकारी लोकसभा चुनाव मीडिया वेन प्रभारी विष्णु भावसार ने दी। राजेश भावसार, दैनिक पीथियान पत्रिका, रिपोर्टर सोवत कला। उससे पहले एक काम करो, हमको सबसे पहले जैसे वहां पर मंडलों की बैठक